उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए 8वें दिन सुरंग के ऊपर एक महामिशन शुरू हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकियारा से डांडा गांव सुरंग में बचाव कर्मी संकटग्रस्त लोगों को अधिक टिकाऊ भोजन की आपूर्ति लगातार कर रहे हैं। शनिवार शाम से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के जरिए यहां बड़ी संख्या में वर्क फोर्स को तैनात किया गया है। सीमा सड़क संगठन की ओर से सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही है, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी। सुरंग के मुहाने पर सेफ्टी ब्लॉक लगाकर काम कर रहे मजदूरों के लिए इमरजेंसी एस्केप रूट भी बनाया जा रहा है। बीती रात बड़ी संख्या में सीमा सड़क संगठन और दूसरी एजेंसियों की ओर से लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के ओएसडी भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाला है, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहां आरओ की टीम हर लॉजिस्टिक पहुंचा रही है। वहीं सरकार ने श्रमिकों को बचाने के लिए तमाम विकल्पों पर चर्चा के वास्ते शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें विभिन्न एजेंसियों को विशिष्ट जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बैठक में तकनीकी सलाह के आधार पर 5 बचाव विकल्पों पर विचार किया गया। सुरंग हादसे पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया कि पूरे क्षेत्र की ताकत को इस स्तर तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जहां बचाव कर रहे हैं वहां तक श्रमिकों के लिए पहुंचना पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि NHIDCL, ONGC, इसके अलावा SJVNL, THDC और RVNL को एक एक जिम्मेदारी दी गई है। BRO और भारतीय सेना की निर्माण शाखा भी बचाव अभियान में सहायता कर रही है। सूत्रों की माने तो NHIDCL के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद को सभी केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय का प्रभारी बनाया गया है और उन्हें सिलकियारा में तैनात किया गया है। मलबे के बीच एक पाइप बिछाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक यह श्रमिकों को बचाने का सबसे अच्छा और सबसे तेज संभव समाधान है। सूत्रों के मुताबिक यूके जल निगम के पास उपलब्ध ऑर्गर यानी कि ड्रिलिंग मशीन की मदद से पाइप बिछाने की शुरुआती प्रयास के बाद अमेरिका निर्मित एक बड़ी ऑर्गन मशीन लाने का निर्णय लिया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना ने दिल्ली से हवाई मार्ग से पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक लोगों का जीवन खतरे में होने को देखते हुए सभी संभावित मोर्चों पर एक साथ आगे निर्णय बढ़ने का लिया गया है, ताकि श्रमिकों को जल्द से जल्द बचाया जा सके, क्योंकि 8 दिन हो चुका है, लगातार मिशन जारी है और अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसे में लगातार सबके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।